ये जब से पैदा हुआ है ना, इसने अपनी हालत जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं की। इसकी अभी भी थोड़ी थोड़ी जो टांगे हैं वो टेढ़ी हैं। और ये करता क्या है, ये मिट्टी खाता है। जो सबसे बुरी आदत है ना वो ये मिट्टी खाता है। अगर ये मिट्टी ना खाता होता तो 5 दिन के अंदर अंदर ना इसने बिल्कुल ठीक हो जाना था, टाइट हो जाना था। अभी बिल्कुल ये सुस्त है, टीलस हुआ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की वजह से। हम कवर कर रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से ना मिट्टी खाने से रोकें। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो कल हमने क्या किया था कि इधर जब आ गई थी ना छांव, तो इधर आके इस प्लाट में इसको हमने बैठा दिया था ताकि ना इसमें मिट्टी है और ना ये खाएगा। आज जो मौसम है ना, धूप धुंधली है, लेकिन आज जो धूप है ना पहले की नस्बत ज़्यादा जो है ना चुभ रही है, मतलब ज़्यादा पसीना आ रहा है, चुभनी धूप है। और अंदर हाशिर जो है वो तैयार हो चुका है, और आज हमने जाना है शहर में बाकी कपड़े उठाने हैं और एक दो और काम है वो भी करने हैं। तो इधर रहा जी हमारा हाशिर, जो कि दूध पी के तैयार हो के अभी सो गया है और इसको अभी बांधने लगी है इसकी मम्मा बांध के, तो हम चले जाएँगे। ये फिर पड़ा रहेगा और फिर जब उठेगा तो अनम इसको फीडर पिला देगी और फिर इसकी आ जाएगी मम्मा और इसके पापा, क्योंकि ये अब उदास हो जाता है, हमारे बगैर नहीं रहता। और इसके थोड़े थोड़े जो है ना वो बाल भी आना शुरू हो गए हुए हैं। अभी ये है कि जो पहले टिंड नज़र आती थी ना, अभी वो नहीं नज़र आती, अभी थोड़े थोड़े बाल नज़र आते हैं। बांध दो। मेरे दुपट्टे चेंज हो गए। वैसे ना मिसबा ने इसको बांधना छोड़ दिया था, बट अभी कभी कभी बांध देना होता है, आज फिर से बांध रही है। फिर इसने पीछे अकेले होना। अकेले से नहीं होना, मतलब मैंने नहीं होना ना फिर। अच्छा एक बात है कि जब हम ना हो ना फिर इसको ज्यादा उठाते हैं, फिर इसकी आदत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन ना इसको उठा ही रखते हैं। और फिर जब हम हो तो फिर ये क्या करता है, फिर ये पड़ा रहता है बेचारा। हम इसको काम उठाने देते हैं, हम कहते हैं कि चलो सार शहर इसका ठीक हो जाएगा, प्रॉपरली बन जाएगा, ये चार पाई पे लेटर है। और फिर इतना बच्चा तांग भी नहीं करता ज्यादा उठाए ना, तो फिर बच्चे की आदत बन गई। इसको ना अभी मिसबा ने लगाया है और कुछ नहीं है, काला वो मैंने लगाया, नजर ना लगे। चलो कर लो फिर, आप ना दुपट्टा शुपट्टा अपना कर लो और फिर चलते हैं इंशाल्लाह। तो भाई हाशिर को सुला दिया है, बांध भी दिया है और इसके ऊपर कपड़ा भी डाल दिया है। ये मेरे ख्याल में वही कपड़ा जिससे आपने बांधा है ना, वही है ना? हाँ, वही कपड़ा आधे से बांध दिया आधा ऊपर डाल दिया। वाह जी क्या कमाल किया आपने। ये भी हो के वो ये आपने इसको रेशमी कपड़े से बांधा, तो ये इस तरह का कपड़ा नहीं है, ये बहुत ही नरम मुलायम कपड़ा है के मतलब इस ऐसे बिल्कुल हल्का सा है, तो इसलिए मैंने इसको ना इससे बांध देना होता है। इसको हवा भी लगती रहती है और अंदर मक्खियाँ वगैरह भी नहीं जाती, और ये बड़ा मज़े से पड़ा रहता है और इसके जिस्म को भी नहीं लगता, इतना नरम ये कपड़ा है। हमने जो नए जूते लिए थे ना, मेरा जो जूता था उनमें से मेरा ये वाला था, ये वाला, लेकिन ये मैं आज पहनने लगा था बट मुझे पहनने नहीं दिया गया। ये वाला मुझे कहा गया है कि आप पहन लें, क्योंकि आगे से आ रही है एक शादी और उसके लिए जी चलो नया जूता पड़ा होगा तो वो पहन लेंगे शादी के ऊपर। और बस 10 मिनट की बात है, 10 मिनट गुजरे हैं और हमारे हाशिर ने ना एक हाथ बाहर निकाल लिया हुआ है और अभी कुछ टाइम बाद ये दूसरा भी निकाल लेगा, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, फटाफट करता है और अपने आप को ना छुड़वा लेता है, जिससे को बांधा जाता है ना उससे अपने आप को आज़ाद कर लेता है। और अभी अपनी मोटर बाइक को थोड़ा सा करते हैं साए में, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो गई होगी। एक तो इस बकरे का बड़ा डर होता है, ये मारता बहुत ज़्यादा, इसके करीब हम जाएँ तो ऐसा बहुत कम चांस होगा कि ठीक ठाक बंदा वापस आ जाए, इससे मार खा के ही वापस आना पड़ता है, ये अक्सर होता है। बस अब निकलें, मज़ीद देर नहीं करते क्योंकि जी एक बजने वाला हो गया है। और मिसबा इधर फीडर धो के रख जाएगी, क्योंकि बाद में इसको दूध पिलाना तो फिर आसानी होगी। जो ये वाला बकरा आया ना, इसका हमें पता 2 दिन पहले चला था कि बकरी कुछ देने वाली है। इससे पहले हमें ये था कि ये बकरी जो है ना ये बस ऐसे ही है, इसने कुछ नहीं देना, ये खाली है। लेकिन जब बकरा आया ना तो उसके 2 दिन पहले पता चल गया था कि हाँ अब कुछ आने वाला है। लगता है दिल नहीं कर रहा आपका छोड़ने को? फिर ऐसे करते हैं, नहीं जाते रहने देते हैं, जाना तो पड़ेगा। बहुत दिनों बाद ना मैं ऐसा परिंदा देख रहा हूँ जो इतना बड़ा है और बगैर पंख हिलाए उड़ रहा है। घर और शहर के दरमियान ये ऐसी जगह हैं जहाँ फुल जो है ना साया होता है और ठीक से ना बंदा आराम सुकून से गुजर जाता है। वैसे भी आज ना गर्मी ज़्यादा फील हो रही है, ये सिर्फ मुझे नहीं
मैंने मिस्को से पूछा तो ये कह रही है कि हाँ गर्मी आ जाता है। ये है जी बिल्कुल न्यू सोसाइटी, अभी बन रही है और इसमें ना बहुत ज़्यादा कार पड़े हैं जो फार सेल हैं और बहुत ज़्यादा प्लाट पड़े हैं जो फार सेल हैं और इधर का रेट बहुत मुनासिब है। मैंने सुना है कि 2 लाख रुपये ना पार मरला है। तो हम भी मिस्को और मैं भी कर रहे थे मशवरा कि अगर हमारे पास भी पैसे होते ना तो हम भी इधर सुकून से ले लेते प्लाट। कल को ना ये बिल्कुल शहर से ना अटैच हो जाएगी और अभी ये शहर के ना एक कोने पे है। गलियां अभी इधर की जो हैं वो कच्ची हैं लेकिन आने वाले वक्त में पक्की हो जाएंगी। इधर अभी ये कीचड़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह ना खड़े हैं। ये ना शहर में खजूरें लगी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी हैं। तो अभी जी हम लोग जा रहे हैं घर और जो जूते का मसला था वो उसने कहा है कि मैं वापस कंपनी भेज दूंगा, जब आपको दोबारा चक्कर लगे तो आप ले जाना। और कपड़े इस बको मिल चुके हैं और हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ा था कपड़ों के पीछे, कुछ इंतज़ार किया, खैर फाइनल जो है ना कपड़े मिल गए हैं और अभी हम लोग घर को निकल पड़े हैं शहर से। और हाँ शहर में ना आज काफ़ी ज़्यादा हवस थी, जो मेरे ख्याल में मुझे कोई 20 दिन बाद इतनी ज़्यादा हवस ना फील हुई है, तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा उकता गया था। मैंने कहा चलो चलो जल्दी से निकलें यहाँ से। आज उदास नहीं हुआ ना रोया है आज, और सिर्फ फीडर इसने कितनी बार पिया? दो दफ़ा पिया है। अच्छा आज बिल्कुल फिट रहा है। पिछली दफ़ा इसकी बड़ी शिकायतें आई थी कि बड़ा रोया है, बड़ा ताक किया है। उसने पता है वो क्यों रोया था? उन दिनों में इसको बुखार था फिर इसलिए रोया, उस वजह से उदास भी हो गया होगा। आज दिन भर ना गर्मी रही है लेकिन अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है ना ठंडा हो गया है और हम लोग भी अभी अभी घर पहुँचे हैं। और इधर लग रही है जी तंदूर की जो है ना ताज़ा ताज़ा रोटी, ये गिर गई, अब ये नीचे से जल गई होगी कुछ इस तरह से, इधर से कच्ची और आगे से जल गई। अब इसको ना दोबारा से पकाया जाएगा कुछ इस तरह से रख के अंगारों पे ना। अब देखें पहले से काफ़ी ज़्यादा ना बेहतर हो गई है, पक गई है अभी ना। जो ही लगी है तो तंदूर में इतनी ज़्यादा गर्माइश है कि फ़ौरन से ना उसके वो ये फूल बनना शुरू हो गए हैं, मतलब रोटी फूलना शुरू हो गई है। जी हम लोग देखते हैं मिसबा के कपड़े जो कि सिलाई तो हुए हैं लेकिन हुए 2 महीने बाद हैं, तो हम भी देखते हैं भाई 2 महीने की जो मेहनत है वो कैसे रंग लाई है। तो ये पकड़ें और हमें भी दिखाएं आप, हमें भी दिखाएं और हमारे हाशिर को भी दिखाएं आप कपड़े। आपने ये कमीज है? अच्छा ये ना हमने डोरी जाके बाजार से ली है, पहले नहीं लगी हुई थी, हमने जाके ली थी और फिर लगवाई थी। वाह जी वाह, हाशिर हाशिर बड़े प्यारे लग रहे हो, इसके ऊपर ये कपड़ा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। वाह जी वाह, छुप गए हो शाबाश, बताओ छुप गए हो। और ये इसका सादा सा ट्राउज़र है, इसमें भी डिज़ाइन बना हुआ है। वाह जी वाह वाह वाह, ट्राइंगल बने हुए हैं। अच्छा पता नहीं क्या क्या कहता जा रहा हूँ, ये लैस लगी हुई है इसके और ये लैस वही है जो मैंने लेके दी थी, याद आया है। और इस लैस की वजह से मिसबा और मेरे बीच ना पूरा एक हफ्ता झगड़ा रहा था। बिलाखिर मैं गया, मिसबा को मैंने ये बताया नहीं था, मैं अपने लिए गया था 3रे दिन और मैंने जाके लैस लेके ना तो उधर दे दी थी। ठीक है इसको मैंने बताया था 7 दिन बाद कि आपका काम मैंने कर दिया हुआ है, आप ऐसे फसूल में ही मेरे गले पड़ी हुई हैं, गुस्सा कर रही हैं, मुझ पे नाराज़ हैं। तो फाइनली रोटी पे लग चुकी है और इधर आज बन रही है जी दाल माश। और हम इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।